सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत भास्वती का चौथा पाठ, चतुर्थ पाठ, प्रजानुरंजको नृपः। इसका सॉल्यूशन आप देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। पहला प्रश्न है एक पदेनोत्तरा था, यानी कि एक पद में अर्थात वन वर्ड, एक ही शब्द आपको लिखना है, यूज करना है और एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है केषाम् अन्वयः कालिदासेन विवक्षितः, अर्थात कालिदास ने किनका अन्वय विवक्षित किया है, अर्थात वर्णन किया है। तो रघुणाम अर्थात रघुवंशियों का, रघुवंशिनः अन्ते केन तनुम त्यजन्ति, अर्थात रघुवंशी अंतिम समय पर किस प्रकार अपने शरीर का त्याग करते थे। तो इसका उत्तर है योग ने, अर्थात योग विद्या से। महीक्षिताम आद्यः कः आसीत्, महीक्षिताम अर्थात राजाओं में आद्य अर्थात सर्वप्रथम कौन था, अर्थात सबसे पहला राजा कौन था। तो उत्तर है मनु। कासाम पितरः केवलम जन्म हेतवः, अर्थात किन के पिता केवल जन्म मात्र के थे, अर्थात इसका उत्तर है प्रजाराम, अर्थात प्रजाओं के। कह प्रियः अति अपि त्याज्यः, अर्थात कैसा प्रिय भी त्यागने योग्य होता है। इसका उत्तर है दुष्टः, अर्थात दुष्ट प्रिय, अगर प्रिय अगर दुष्ट है तो वो भी त्यागने योग्य होता है। दिलीपः प्रजानाम भूत्यर्थं कर्म अग्रहीत, अर्थात राजा दिलीप प्रजानाम अर्थात प्रजाओं की भूत्यर्थम अर्थात भलाई के लिए कम अर्थात किसे ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है। तो बलिम अर्थात कर या टैक्स। राजेन्दुः दिलीपः रघुणामन्वये क्षीरनिधौ कः इव प्रसूतः, अर्थात राजा दिलीप रघुणाम अन्वय अर्थात रघु वंश में क्षीरनिधौ अर्थात क्षीर सागर में कः इव अर्थात किसके समान प्रसूतः अर्थात जन्मे या उत्पन्न हुए। तो इंदुः अर्थात चंद्रमा के समान। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। महाकवि कालिदासेन वैवस्ततो मनुः महीक्षिताम् कीदृशः निगदितः, तो महाकवि कालिदास के द्वारा वैवस्ततो अर्थात सूर्य वंश में उत्पन्न मनु राजाओं में किस प्रकार उत्पन्न हुए या कैसे उत्पन्न हुए। तो महाकवि कालिदासेन वैवस्ततो मनुः महीक्षिताम् आद्यः निगदितः, अर्थात महाकवि कालिदास के द्वारा वैवस्वत मनु अर्थात सूर्य वंश में उत्पन्न मनु राजाओं में सबसे पहले उत्पन्न हुए। दूसरा प्रश्न है कालिदासः तुनवाग् विभवः सन् अपि तद्गुणैः कथं प्रचोदितः, अर्थात कालिदास वाणी का अर्थात बोलने में थोड़ा वैभव वाला होते हुए भी उन गुणों को कैसे कहते थे। तो उत्तर है कालिदासः तनुवाग् विभवः सन् अपि तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रोचोदितः, अर्थात कालिदास थोड़ा बोलते हुए भी थोड़े बोलने वाले वैभव के होते हुए भी उन गुणों को कर्णम आगत्य अर्थात कान में आने वाले या कान में पड़ने वाले चपलता से प्रेरित होकर उनसे कहते थे। ग प्रश्न है कीतम अर्थात रघुवंशम श्रोतुम अर्हति, तो इसका उत्तर है शासकाः तम अर्थात रघुवंशम श्रोतुम अर्हन्ति। घ प्रश्न है दिलीपस्य कार्याणाम आरंभः कीदृशः आसीत्, अर्थात दिलीप के कार्यों का आरंभ किस प्रकार का था। तो दिलीपस्य कार्याणाम आरंभः आगमैः सदृशः आसीत्। आठवां प्रश्न है रवि ही रसम किमर्थम आदत्ते, तो कवि रवि ही रसम सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते, तो रवि अर्थात सूर्य होता है और पृथ्वी से रस किस लिए ग्रहण करता है। तो रवि रवि ही रसम सहस्र गुणम उत्सृष्टु मादत्ते, अर्थात रवि पृथ्वी से रस सहस्र गुण अर्थात हजार गुना देने के लिए ग्रहण करता है। तीसरा रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, अर्थात रेखांकित पदों को बदलकर प्रश्न निर्माण कीजिए। सह प्रजानामेव भूत्यर्थम बलिम अग्रसित, अर्थात वे प्रजाओं की भलाई के लिए ही कर ग्रहण करते थे। तो
तो कौन प्रजाओं की भलाई के लिए ग्रह कर ग्रहण करते थे? तो इसका प्रश्न ये बनेगा, कः प्रजानामेव भूत्यर्थं बलिम अग्रसित, प्रजानाम विनयाधानात् सह पिता आसित, कासाम विनयाधानात् सह पिता आसित। तो प्रजानाम का कासाम हो जाएगा, मनीषिणाम माननीय मनु आसित, अर्थात मनुष्यों का माननीय सम्माननीय मनु था। तो किनका सम्माननीय मनु था? तो इसका केशाम हो जाएगा, शुद्धमति शुद्धिमति अन्वय दिलीपः प्रसुतः। तो अन्वय का कस्मिन हो जाएगा, तो शुद्धिमति कस्मिन दिलीपः प्रसुतः। पितरः जन्महेतवः आसन, तो इसका प्रश्न बनेगा के जन्महेतवः आसन। चौथा प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां स्वभाषया भावार्थम लिखता, अर्थात इन लिखे गए लोगों का अपनी भाषा में भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ लिखने के लिए व्याख्या मैंने पहले ही कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो पहले आप इसकी व्याख्या लिखें, उसके बाद में अपनी भाषा में भावार्थ लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊं तो बना सकता हूं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु विपरीतार्थ मेलनम कुरुता, अर्थात विपरीत शब्दों का मिलान करना है। तो मैंने उत्तर मैंने लिखा हुआ है, यौवने वार्धक्ये, मौनम चपलताम, त्याज्यः ग्राह्यः, सशासः शासनं न करोत्, क्षता अक्षता। इसके बाद छठे प्रश्न का, अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियताम, अर्थात प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है आपको। तो आगत्य का आ प्लस गम प्लस त्वा ल्यप, उत्सृष्टुम का उत प्लस सृज प्लस तुम, सम्यत का हो जाएगा सम प्लस मन प्लस क्तः, त्याज्य का हो जाएगा त्यज प्लस ण्यप, शिष्ट का हो जाएगा शास प्लस कृत। सातवां प्रश्न है, संधिम संधि विच्छेदम वाकुरुता, संधि कीजिए या फिर संधि विच्छेद कीजिए। तो जिनकी संधि हो रखी है उनका संधि विच्छेद करना है, और संधि विच्छेद दे रखा है उनकी संधि करनी है। तो तनु वाग्भी भवो यपि, तो तनु प्लस वाक् प्लस विभव प्लस अपि, योगे नान्ते योगेन प्लस अन्ते, ताभ्यः प्लस बलिम का संधि हो जाएगा ताभ्यो बलिम, शासकै पुरीमिवा, शास प्लस एक पुरीम प्लस इवा, शिष्टः का हो जाएगा शास प्लस क्त। ये इसका प्रकृति प्रत्यय है, विभाग है शिष्टः का। अब आठवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अधोलिखितस्य श्लोकद्वयस्य अन्वयं कुरुता, अर्थात इन दो श्लोकों का अन्वय आपको लिखना है। तो प्रजानाम विनयाद्याक्षणाद्भरणादपि स पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः। तो देखिए, सह विनयाधानात् दक्षणात् भरणात् अपि प्रजानाम पिता आसीत्। अब देखिए, यहाँ पर तासाम पितरः केवलम जन्म हेतवः आसन। अब इसका स बेलाव प्रवलयाम परिखीकृत सागराम अनन्य शासनामुर्वीम शास शासक शासई का पुरीमेवा। अब इसका अन्वय हो जाएगा, सह बेलाव प्रवलयाम परिखीकृत सागराम अनन्य शासकाम उर्वीम एक पुरीम इव शास। नौवां प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितेषु विशेषण विशेष्ययोः मिलनं कुरुता, अर्थात विशेषण और विशेष्य इनको मिलान करना है। तो मैंने मिलाया हुआ उत्तर मैंने लिखा है, तो माननीय का मनु हो जाएगा, राजेंदुः का दिलीपः हो जाएगा, जन्महेतवः पितरः, उर्गक्षता का हो जाएगा अंगुली, और तस्य का हो जाएगा आर्तस्य। तो ये था चौथे पार्ट के क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशन, अर्थात अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।